सो गाइस आप लोग सोचो कि आपने मेहनत करी अपने एमएक्स टकाटक अकाउंट पर और वहां पर 10,000 20,000 50,000 या फिर 1,00,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए अपनी मेहनत करके अच्छी खासी वीडियोस बना के, उसके बाद में क्या हुआ, आपकी आईडी फ्रीज हो गई, किसी कारण से फ्रीज हो गई। और वो कारण क्या है, वो चार कारण होते हैं जिससे आपकी आईडी फ्रीज होती है। तो भाई आपको इस वीडियो में यही सब कुछ बताऊंगा कि आपकी आईडी फ्रीज होने से कैसे बचानी है। भाई अगर आपकी आईडी फ्रीज हो गई ना, कभी भी कितने भी आपके फॉलोअर्स हो, मिलियन में फॉलोअर्स हो, तो भाई आपकी आईडी पर जानते हो 10-20 व्यूज 5-6 लाइक्स ऐसे आएंगे तो भाई आपकी आईडी मतलब बर्बाद हो गई ना। तो भाई आपको इस वीडियो में 3-4 बातें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना है। भाई कभी भी आपकी आईडी मतलब रीच डाउन ही नहीं होगी, जितने ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके व्यूज लाइक्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो भाई आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार अभी चैनल को, क्योंकि एमएक्स टकाटक के रिलेटेड हर रोज आपको यहां पर कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती है। और हाँ गाइस, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल बात करनी है, कोई आपको क्वेश्चन हो जेन्युइन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं आप लोगों से बात करता हूं जो लोग मुझे फॉलो करके मैसेज करते हैं। और भाई वहां पर फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई सिर्फ 5-6 फॉलोअर्स कम है, मेरे 600 फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो भाई 5-6 लोग जल्दी से जाओ फॉलो कर दो यार, 600 फॉलोअर्स जल्दी से मेरे हो जाएंगे। सो गाइस आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहां पर हम लोग कर लेते हैं अपना एमएक्स टकाटक ओपन, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। मैं आपको यहीं पर सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जो सबसे मेन कारण आता है एमएक्स टकाटक वीडियो वायरल करने का और एमएक्स टकाटक आईडी फ्रीज होने से बचाने का, वो आता है सिर्फ और सिर्फ एमएक्स टकाटक के बैनर। सो गाइस मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनेगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। भाई यहाँ पर मान के चलिए इस बैनर को हम लोग लेते हैं जला डालो को, तो भाई इस पे हम लोग क्लिक के, जैसे इस पे क्लिक किया, देखते हो यहाँ पर इस पे है 32 मिलियन व्यूज। तो इस पे अगर आप वीडियो बनाओगे तो भाई इस पे लगभग यहाँ पर देखते हो बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लगभग 10-15 हज़ार वीडियो तो बन ही चुकी होंगी। अगर आप लोग अब इस हैशटैग पर वीडियो बनाओगे तो भाई आपकी वीडियो यहाँ पर वायरल नहीं होगी, रैंक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 10-15 हज़ार लोग वीडियो बना चुके हैं इस कॉन्टेस्ट पर, और आप जो वीडियो बनाओगे आप लोग मेरे सब्सक्राइबर लोग, वो वीडियो यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर रैंक कर जाएगी नीचे। जो व्यूवर्स नए आएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने, वो तो भाई ऊपर की ही वीडियो देखेंगे, उनको देखना होगा तो ऊपर की ही देखेंगे ना, ऊपर की 10-12 वीडियो देख के जिसका वीडियो अच्छा लगेगा उसी की तरह वो बना देंगे। तो भाई अब आपको करना क्या है, जैसे देखो जैसे ही कोई नया बैनर आता है, जैसे मान लीजिए धड़क जो है नया बैनर आया है अभी अभी, बस 15-20 मिनट हुए हैं, तो भाई इसको आपको करना है ओपन। देखो भाई अभी इस पर 57 मिलियन व्यूज है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन हो चुके हैं इसको आए, लेकिन अगर यहीं पर ये अभी आया होता 15-20 मिनट पहले, तो भाई यही मेन खेल है कि आपको जैसे ही कोई बैनर आए तुरंत आपको सबसे पहले बैनर में ही पार्टिसिपेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी पार्टिसिपेट कर लोगे, जैसे बैनर नया आया उसके 5 मिनट में ही आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो आपकी वीडियो ना यहाँ पर रैंक हो जाएगी। ऊपर 3 जो वीडियो दिख रही यहाँ पर रैंक हो गई, या फिर नीचे 6 नंबर पर या फिर 5 नंबर पर रैंक हो गई, तो नया कोई बंदा पार्टिसिपेट करने आया, वो आपकी वीडियो देखा उसने, तो भाई आपकी वीडियो देखा तो भाई एमएक्स टकाटक को पता चला कि हाँ भाई इसकी वीडियो देखी जा रही है, तो भाई आपकी वीडियो को और ज्यादा रीच बढ़ाएगा। तो भाई सबसे ज्यादा मेन कारण होता है बैनर, और एमएक्स टकाटक बैनर को ही वायरल करता है, क्योंकि एमएक्स टकाटक खुद चाहता है कि ये जो हैशटैग एमएक्स टकाटक दे रहा है ये वायरल किया जाए। तो जितनी अच्छी आप इस पर वीडियो बनाओगे, जितनी जल्दी वीडियो बनाओगे, उतनी ज्यादा आपकी वीडियो वायरल की जाएगी। इससे आपकी आईडी कभी भी फ्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये बैनर एमएक्स टकाटक खुद से देता है और खुद से आपको वीडियो बनाने को बोलता है, इस पर बनाओ वीडियो। यहाँ पर भाई बैनर का तो आप खेल समझ गए। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है भाई आपकी वीडियोस को लेकर। भाई आप बैनर में तो पार्टिसिपेट करते नहीं रहोगे, हर समय नया बैनर आता नहीं रहेगा डेली डेली, आपको क्या करना है भाई, अब आपको एक नीच पकड़नी है। नीच क्या मतलब, कि आपको एक ही टाइप की वीडियो बनानी, जैसे आप फनी वीडियो बनाते हो तो फनी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताकर रखा है, आपको जो चीज पसंद है आप उसमें इंटरेस्ट रखो। जैसे आपको एटीट्यूड वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड वीडियो ही बनाओ, भले ही उस पर लाइक ना आए, अगर आज नहीं लाइक आएंगी तो कल आएंगी, कल नहीं परसों आएंगी। आप अच्छी अच्छी वीडियो बनाते चले जाओगी तो आपकी वीडियो पर लाइक अच्छी खासी आती रहेंगी। मान लिया आज फनी डाल दिया, कल एटीट्यूड वीडियो डाल दिया, तो भाई आपके जो फॉलोअर्स होंगे उनको मान लिया एटीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो आपकी वो फनी वीडियो क्यों देखेंगे, उनको मजा नहीं आएगा, लाइक नहीं करेंगे, वो आपको अनफॉलो कर देंगे, बोर हो जाएंगे। तो ऐसे में टकाटक आपकी आईडी फ्रीज कर देता है। तो भाई सबसे ज्यादा मेन कारण ये भी आता है दूसरा नंबर, तो आपको एक नीच पकड़ के रखनी है। अगर आप अभी भी नहीं पकड़े हो तो भाई अभी से पकड़ लो, कल से परसों से इस चीज की शुरुआत कर दो। और भाई जो बहुत सारे बंदे गलती करते हैं भाई तीसरे नंबर की, वो भाई फॉलो अनफॉलो, आपको फॉलो अनफॉलो कभी करना ही नहीं है यार। जैसे आपने फॉलो किया किसी को, उस बंदे ने फॉलो बैक आपको दे दिया, तो भाई वो आपका फैन थोड़ी ना हो गया, उसने आपकी वीडियोस को देखकर थोड़ी ना फॉलो किया, उसने तो बस आपको फॉलो बैक दिया है कि आप फ्रेंड बन चुके हो। वो फॉलो अनफॉलो ही करने वाला बंदा होता है, वो वीडियो नहीं देखता है, वो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो फैंस अपने बढ़ाने हैं और तुमको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, इसीलिए तुम फॉलो अनफॉलो करते हो। तो भाई अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है, आगे चल के पैसे भी कमाना है सोशल मीडिया से, तो आपको भाई ये सब मतलब बकवास काम नहीं करना है, आपको रियल फैंस बढ़ाने हैं अपनी वीडियोस डाल डाल के। अच्छी अच्छी जितनी अच्छी वीडियो डालोगे उतने ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आपकी वीडियो वायरल होगी। तो भाई फॉलो अनफॉलो वाली अगर आप लोग गलती करोगे भाई, तो कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे, आपके फॉलोअर्स कितने भी ज्यादा हो जाए आपकी आईडी रहेगी फ्रिज की फ्रिज ही। अगर आप फॉलो अनफॉलो करते रहोगे तब तो आपके व्यूज आते रहेंगे, जिस दिन से आप फॉलो अनफॉलो करना बंद करोगे उसी दिन से आपके व्यूज आना बंद हो जाएंगे। तो आप कब तक ये करोगे भाई, अभी से छोड़ दो ना। और आपकी आईडी भी अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर जैसे मेरे 2900 फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर मैं 2900 या 3000 को फॉलोविंग करके रखा हूँ, तो भाई मेरी आईडी कैसे लगेगी। देख बंदे जो आएंगे मेरी आईडी पर वो सोचेंगे कि ये तो फॉलो अनफॉलो करता है, इसको मैं क्यों फॉलो करूं। तो भाई आईडी आपकी खराब लगती है यार इससे देखने में, और आप जेन्युइन बंदे नहीं माने जाओगे। तो ये हो गई आपकी तीन बातें। और भाई जो चौथा पॉइंट आता है वो भाई छोटा मोटा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें आपको क्या है, अपनी वीडियोस को खुद से 10-20 बार 50 बार नहीं देखना है, खुद से 10-20-50 शेयर नहीं करना है, आपको शेयर
करना, एक दो जगह शेयर कर दो, पांच छह जगह शेयर कर दो, अपनी वीडियो को खुद ही 50-60 बार देख रहे हो, इससे एमएक्स टकाटक को पता लगता है कि भाई यूजर खुद ही, जो वीडियो का ऑनर है वो खुद ही ये सब कर रहा है, खुद ही अपनी वीडियो देख रहा है, खुद ही शेयर कर रहा है, तो भाई एमएक्स टकाटक ये सोचेगा कि इसकी वीडियो को पब्लिक में इंटरेस्ट तो है नहीं, तो ये अपनी वीडियो खुद ही शेयर कर रहा है, खुद ही देख रहा है, तो आपकी वीडियो वहीं पर रोक देगा। तो आपको ये भी गलती भाई नहीं करनी है। ये चार गलतियां आप सुधार लोगे जिस दिन से, उसी दिन से भाई आपके डी मक्खन की तरह दौड़ने ना लग जाए, तो आप मुझे कमेंट में आकर बता जाना। तो गाइस आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।